बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। देश प्रदेश में रहने वाले तमाम लोगों को इकरा दी नॉलेज टीवी की तरफ से खुश आमदेद। जी जनाब, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। ये जो बैकग्राउंड पे पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो व्लॉग शेयर किया था 14 अगस्त सेलिब्रेशन किया है, मैं बच्चों को लेके गई थी तारिक रोड डॉलमेन मॉल और सिंध बाद, ठीक है। तो आज इसका मैं पार्ट टू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो चल के देखें मेरे साथ पार्ट टू, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत प्यार से आपके लिए बनाती हूँ। तो इस वीडियो को आगे चल के देखने से पहले अपना प्यार मुझे देते जाइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से मज़े मज़े के कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको कमेंट्स करने से पहले ये बताते चलूं कि मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत प्यार से, बहुत मुश्किल से कैप्चर की है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इतना प्रॉपर क्लियर जो है विजन इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो बॉक्सेस बने हुए नेट के, मैंने क्योंकि मदर्स या पेरेंट्स आउटसाइड थे प्ले एरिया के और बच्चे इनसाइड, तो मैं बाहर से कैप्चर करी थी इस छोटे छोटे बॉक्स में से, समझ रहे हैं आप। तो जो भी है, जिस तरह की वीडियो है, ये सिर्फ आप लोगों से मोहब्बत का इजहार है, और आपने इस मोहब्बत के इजहार को रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आपने रिटर्न करना है अपनी मोहब्बत देकर। मतलब कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपनी कज़न्स के साथ, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बॉल्स पे बैठ के बैलेंस करके इस रोड से उस रोड पर जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, देख के भी इतना मज़ा आ रहा था। आप लोग अपने बच्चों को लेकर लाजमी जाइएगा, बहुत इंजॉय करेंगे बच्चे, बहुत इंजॉय करेंगे। मतलब जो इनका 1 आवर का टाइम होता है, 1 आवर इनको अंदर स्टे करना होता है खेलने के लिए, 1 आवर के बाद ये वापस बाहर आते हैं, नेक्स्ट टर्न जाती है, जो पूरी बैच होता है नेक्स्ट बैच जाता है। तो बच्चे इतना इंजॉय करते हैं कि आने को नहीं बोलते हैं कि हमें वापस नहीं आना है, अभी थोड़ी देर और रुकना है, जबकि रूल्स के मुताबिक बच्चों को वापस आना होता है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
जी जनाब, ये था हमारा 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का डे आउट का पार्ट 2 जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैंने और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर लेके जाइएगा सिंधबाद में, आप इंजॉय करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उर्ज फातिमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।